पहली बार बता रहा हूं या बताया हूं कि मुलायम सिंह यादव की जीवनी लिखने के लिए मुझसे संपर्क किया गया था। ब्रूम्स बड़ी से छपना था मुलायम सिंह यादव की बायोग्राफी। पूरे प्रोजेक्ट मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मुलायम की बायोग्राफी नहीं लिखूंगा, क्योंकि उसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। और ऐसा नहीं, अखिलेश के साथ ब्लूम्स की बैठक हुई। एक अधिकारी जो अभी भी है मोदी योगी सरकार में, उस अधिकारी को प्रोजेक्ट दिया गया और वो पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक संदीप देव के कारण बर्बाद हो गया। और 2017 से, चुनाव से पहले की बात है, 2015-16 में लिखवाने की प्रयास, 16-15-16 में, 15 का लास्ट। और यहां तक मुझसे कहा गया लालच, लालच क्या, सही बात था कि अखिलेश पूरे यूपी में ये किताब बंटवाते, करीब 10 लाख किताब बंटवाना था। एक ऑथर का, मेरी जो कमाई हो, मेरी रॉयल्टी होती है, एक किताब पे मिनिमम 30 रुपए की रॉयल्टी आप जोड़ लो। ब्लूम्स वाले सुन रहे होंगे, ये पूरे प्रोजेक्ट कैसे खत्म होगा। कुमार विश्वास को बता रहा हूं कि राम की बात करता है, राम द्रोहियों के मंच पे जाता है, तो आप कहोगे कि आप क्या होगे, तो बड़ा स्टार है। मैं बता रहा हूं, 10 लाख किताब के ऑर्डर से संदीप देव को लेखक लेना था, क्योंकि मैं आधुनिक समय में बायोग्राफी जो मैंने लिखी है लाख लाख गई है, तो अच्छे बायोग्राफी राइटर लेखक में मेरी गिनती होती है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, पर होती है। तो 10 लाख गुना 30 कितना हुआ, 3 करोड़, 3 करोड़ की रॉयल्टी छोड़ी मैंने। सुन लो, सुन कुमार विश्वास। हाँ निधि जी, धन्यवाद आपका। कुमार विश्वास जब राम का नहीं हुआ तो किसका होगा, सही बात है। लोग मुझे गाली देते, मुलायम के साथ मंच शेयर करता, मैंने बायोग्राफी छोड़ी है। पूछिए अखिलेश यादव से, पूछ लीजिए आप ब्लूम्स बॉय से। मैंने कहा करोड़ लेके कहाँ जाऊंगा, मुंह में ठूसूंगा क्या, मैं कहाँ जाना है मुझे। ऐसे 3 बायोग्राफी छोड़े हैं मैंने, 3 जो सनातन द्रोहियों के थे। वो 3 बायोग्राफी में मैं 10 करोड़ से ऊपर का आदमी हूं। 3 बायोग्राफी छोड़े हैं, बता ही देता हूं। मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह, राम रहीम, 3 के छोड़े हैं। और तीनों के अपने सेलिंग नेटवर्क, उतने जितना वो खरीदते जाते उतनी मेरी रॉयल्टी बढ़ती जाती है। और जिंदगी भर की ये रॉयल्टी थी, यानी कि 3 करोड़ मिल गए, जिंदगी भर की रॉयल्टी। तो जो धर्म का नहीं है वो तो पाप की कमाई है भाई। नितीश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूट्यूब मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार जी, बहुत धन्यवाद। वी आर विथ यू, आप लोग हैं, यही तो ताकत है, यही तो कमाई है। वो क्या कमाई है, बस ये जो ना मंच पे जाके, उसके रामद्रोही के मंच पे। अरे पैर, दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूट्यूब मेंबर बनने के लिए, थैंक यू सो मच। और आज आप लोगों को पुस्तक, एक ने मुझे लिखा कि आपने प्रतीकात्मक भेजा है, या इतनी पुस्तक सही में आपने खरीदी है। पूरा गाड़ी का डिग्गी भर के लाया हूँ किताब। और लॉकडाउन में 90,000 की किताब पढ़ी है मैंने, लॉकडाउन लॉकडाउन में 2 साल में 90,000 की किताब। तो पुस्तकों के लिए, मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो पैसे खत्म हो गए मेरे, और पिताजी भेजते थे तो, और पैसे वहां से पिताजी ने चल दिया था, मनी ऑर्डर आने हुए, मनी ऑर्डर से उस समय पैसे पहुंचते थे तो लेट था, तो एक किताब मुझे पसंद पड़ गई। और भूख लगी थी तो खाना खाना था या किताब खरीदना था, तो मैंने किताब खरीदे थे, भूखे रह गया था। तो पुस्तकों के प्रति मेरा लगाव बहुत बहुत गहरा है, बहुत ही ज्यादा गहरा है। तो मैंने जो कल पुस्तक मैं लेकर आया हूँ, वो आपको एक एक करके उसमें बताऊंगा, क्योंकि एक एक पुस्तक जो मैं पढ़ूंगा वही रिकमेंड करता हूँ, बिना पढ़े रिकमेंड। मैं पुस्तक का व्यवसाय करने नहीं उतरा, मैं पुस्तक आपको रिकमेंड करके एक हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी से परिपूर्ण एक हिंदू बनाना है, इसलिए वही की पुस्तकें रिकमेंड करूंगा। तो जो जो पढ़ता जाऊंगा वो चढ़ाता जाऊंगा kapoor.in पे, और आप वो लेते चले जाएंगे। रोहित जी धन्यवाद, सबसे बड़ा मास्टरवादी आपके दोस्त, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। ध्रुव सेन गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, हम सनातनी सिर्फ और सिर्फ आपको देखते हैं, किसी कुमार बक्कड़ को नहीं। अरे वो
मैं वो आदमी राम तरुण के साथ बैठा और राम कथा उसको संस्कार भारती राम कथा पे ले आती है। अरे तुझको सोचो भाई और देखो तो सही कि राम के बारे में क्या बोल रहा है। ओम प्रकाश बागरी जी कह रहे हैं, संदीप जी आपकी बात बड़ी मीठी होती है, उसमें तीखापन और जरूरत है। और जहां तक सवाल मुलायम का है, राम के सेवकों को मारने वाला कभी सुख से मर भी नहीं सकता। ठीक कह रहे हैं, और उसके मंच पे तो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संस्कार भारती के मंच पे जाता है। मुझे देखो आप, मैं भाजपा और संघ की आलोचना करता हूं लेकिन थोड़ा लगाव है मेरा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए जब उनके मंच पे उनके वो हिंदुओं को के साथ दगा करते हैं तो मेरा मेरी टीस ज्यादा उतर आती है, क्योंकि उनको हिंदुओं ने हिंदू रक्षण के लिए वोट दिया था, हिंदू भक्षण के लिए वोट नहीं दिया। ये कुमार विश्वास सर क्या है, ये राम जी के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। और मैं तो खुद नहीं बोल रहा हूं, भाजपा के ही एक प्रवक्ता ने कहा, प्रशांत ने लिखा है। देखिए, राम कथा के अग्रदूत बने कुमार विश्वास शर्मा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम के साथ मंच पर बैठते। यह वही कुमार हैं जो राम जी की एक जांघ पर सबरी माता और एक जांघ पर सीता माता को सोते बताते हैं, और फिर संस्कार भारती के मंचों पर जाकर संस्कार भारती संघ कर प्रभु श्री राम के विषय में बात भी करते हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने लिखा है, मेरे मित्र जो है वकील और भाजपा के प्रवक्ता, तो संस्कार भारती वाले थोड़े अपनी बुद्धि खोले। स्वामी भी गद्दार निकल गए, ममता जैसे लेडी ढकुला से मिल रहे हैं जो हिंदुओं के। राजीव शाह जी कर रहे हैं, हिंदू धर्म द्रोही, गद्दार उनके शब्द हैं, हिंदू धर्म द्रोही ये शब्द कहिए आप। नित्य श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों को पुस्त आई मिस्ड योर लाइव बट आई विल सी द रिकॉर्डिंग, थैंक यू। श्रद्धा कपूर जी, आप तो आती हैं लाइव में, आज दोपहर में मैं नहीं था पर रात में आया, नेटवर्क बहुत खराब था, मोबाइल का नेटवर्क ठीक था तो मोबाइल से आया हूँ, तो आपका बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, दास जी बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए, थैंक यू सो मच। तो जो मैं पुस्तक लाया हूँ आपको, इतिहास और दर्पण की वो पुस्तकें जो समाप्त हो चुकी और जिससे हमें दिशा मिलनी, एक पुस्तक बताता हूँ। वो पुस्तक मैंने पढ़ी है, फिर भी मैंने क्योंकि वहां समाप्त है तो मैंने 8-10 कॉपी उठा ली है। सार्थवाह नाम से एक पुस्तक है, मोती चंद्र जी ने लिखी थी और आज से 60-70 के दशक की पुस्तक है। सार्थवाह अगर आप पढ़ोगे तो भारत के वैभव को समझ पाओगे। सार्थवाह जो सिल्क रूट था, व्यापारी रूट था, भारत के व्यापारी जो दुनिया में व्यापार करने जाते थे, तो क्या होता था एक सार्थवा कि व्यापारी जाएंगे तो डाकू लूटेगा रास्ते में, सब जगह लूटेंगे, तो उनको सुरक्षा के साथ सार्थवा और सारे व्यापारी गुट बनाते थे। और फिर यहां से यूरोप यूनान तक व्यापार होता था। वो रिसर्च बेस्ड भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही पुस्तक है सार्थवा, पर वो समाप्त है। मोती चंद्र जी भी गुजर चुके हैं जिन्होंने काशी का इतिहास लिखा है, तो उसकी कुछ कॉपी पड़ी हुई थी तो मैं ले आया हूँ। और मैंने उनसे कहा कि छपवाइए क्योंकि ये पुस्तक मैं प्रचार करूंगा और मैं घर घर चाहूंगा ये पुस्तक पहुंचे। उन्होंने कहा सरकारी सिस्टम है आप जानते हैं, 3 साल से ऑर्डर दिया हुआ है तो वो छपेगी, परंतु मैं बताने के लिए तो हूं ही। तो ऐसी ऐसी दुर्लभ पुस्तक जो नष्ट हो चुकी है, ऐसी ऐसी पुस्तकें लेकर आया हूं मैं। और पतंजलि के काल का भारत कैसा था, पाणिनि के समय का भारत कैसा था, राज तरंगिणी जो कलहन ने लिखी उसमें कश्मीर का कैसा इतिहास है, ऐसी ऐसी पुस्तकें। तो आपको आने वाला है मजा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा और आपको मैं मजा दूंगा, आनंद दूंगा, तो तैयार रहिए। हृदय हार्ट सब सैल्यूट है सर, थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। निधि जी कह रहे हैं आपकी बात तीखी है पर निशाने पे तीखा, पर निशाने पर नहीं रहेगा तो और मार देगा। तो कुलबीर सिंह की बहुत धन्यवाद, मोदी है इफेक्टिवली साइलेंट ऑल सेलेक्ट वर्ड्स, स्वामी रामदेव प्रवीण तोगड़िया। मोदी जी की अपनी, मैं तो अभी फिलहाल आपको बताऊं कि मैं किसान बिल की वापसी से सहमत नहीं हूं, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि 80% किसानों को फायदा हुआ, 10 करोड़ किसान, और उसके लिए दाव पे लगा देना। लेकिन आज मैंने जो कल कहा, परसों तरसों आपको, यह जब बिल वापस हुआ था, तो आज मेरे बात सच हो रहे हैं क्योंकि आंदोलन और उग्र होता जा रहा है
और आप जानते हो कि यदि आपने एक बार बिल्लियों को दूध का कटोरा दिखा दिया तो फिर आपके घर में कुछ सुरक्षित नहीं है। तो अराजकतावादियों को मोदी जी ने एक रास्ता दिखा दिया है, सड़क पर उतरो, हम तुम्हारी मांग मानेंगे, और उसके कारण स्थिति बनी हुई है। तो और आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्रिप्शन भरते हैं वो भरिए, जो तीखा पसंद करते हैं वो जरूर भरिए, क्योंकि बात मेरी आपको तीखी लग रही है, और जो लोग तीखा पसंद कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, ताकि मेरा तीखा तीखापन बना रहे, तभी तो पता चलेगा कि तीखेपन को सपोर्ट मिलता है, अन्यथा तो आप जानते हैं कि तीखेपन को लोग पसंद नहीं करते। तो तीखेपन को सपोर्ट कीजिए। सैन सैन कुछ कह रहे हैं सर जी, आपने सुना इसराइल ने अपने दो नागरिकों को तुर्की से एक फोन करके छुड़वा लाया, जिन नागरिक पर जासूसी का आरोप लगाकर तुर्की फांसी देने जा रहा था। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। नीलम जी, नीलम जी, नीलम अवस्थी जी आ गई हैं, एक मिनट मैं अपने सभी लोगों को ले लेता हूँ। शैल देराश्री जी, क्या योगी जी यूपी में राज्य स्तर पर तीनों कानून लागू कर सकते हैं? शायद बिहार में ओपन मार्केट है किसानों के लिए, और पंजाब में भी पेप्सिको के साथ टाई अप है, राज्य स्तर पे हो सकता है, पर अब योगी जी अभी रिस्क नहीं लेंगे, अब मोदी जी वहां बैठे हैं आप देख रहे हो। तो इस पे मैं चाहूंगा कि अभी हम योगी जी को फिलहाल छोड़ के 22 में जिताते हैं, फिर इसको कर सकते हैं, पर कर सकते हैं, मेरे यहाँ ओपन मार्केट सिस्टम है बिहार में हमें। और इंद्रा सिंह, गलती हमारी, हम सड़क क्यों जाम नहीं कर रहे? इंद्र जी, उस दिन बहुत अच्छा समझाया था कि ट्रिपल तलाक हटना चाहिए, इसके लिए किसी ने सड़क जाम नहीं किया। जब हम सरकार चुनते हैं, सरकार को कानून लागू करने के लिए चुनते हैं, फर्क के लिए आप अगर सड़क पर उतरेंगे तो आप सोचिए ये देश का क्या बेड़ा गर्क। अराजकतावादियों के साथ गृहयुद्ध करेंगे, गोली में आप भी मारे जाएंगे, जैसे दिल्ली दंगे में हिंदू गए अंदर। इसे सरकार के का बचाव मत कीजिए कि हर चीज में वो ये सीरिया बन जाएगा, ये सीरिया बन जाए। इसलिए सरकार के को उसके कर्तव्यों को याद दिलाइए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और वो आपको, हम आपको नहीं दोष दे रहे हैं, लेकिन मास्टर आतंकवादी ऐसे घुमाते हैं, जब बंगाल में हिंदू मर रहे थे तो उनका ये क्यों नहीं निकल, बंगाल के लोगों ने वोट किया भाजपा को अपनी रक्षा के लिए ना, बंगाल के लोगों ने वोट किया। और हिंदुओं के पास शस्त्र नहीं है, सिखों के पास है, उनके पास है शस्त्र, कानून सरकार नहीं हटा रही। गोली जब चली गुजरात दंगे में तो 250 हिंदू मरे ना, आपके परिवार में मुस्लिम तो नहीं मरे। तो मास्टर स्ट्रोकवादी जो कहते हैं उसको तथ्यों से जांचिए कि पुलिस की कार्रवाई सब, अश्विनी उपाध्याय क्या करने गए थे? पुलिस के आंदोलन पर कार्रवाई दिल्ली में हो गया, राकेश टिकैत बैठा है, क्यों नहीं हो रहा? हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इस बात को समझिए। हमको सरकार, हमने चुना है, उस सरकार को रास्ते पे लाना है, ये नहीं कि कोई हरा टिड्डा हमारी सरकार छीन के ले जाए। ओंकार सिंह सेखों जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। और नेगी जी कह रहे हैं, वाई अमेरिकन अदर कंट्री नॉट प्रोपोगेट हिंदुइज्म पीसफुल रिलीजन? वो तो हिंदुइज्म को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदू को स्वीकार किया ऑफिशियल, लोग स्वीकार कर रहे हैं वहां के लोग, तो पता चल जाएगा ना कि राक्षस कौन है और असुर कौन है और देव कौन है, ये कैसे संभव? दीपक जी धन्यवाद, चमचों से भी ज्यादा खतरनाक मास्टर स्ट्रोक। आप देखो ना क्या कहे, आईबी की रिपोर्ट थी, तो आईबी रिपोर्ट नहीं दे रही थी कि जब आप वापस लेंगे तो डबल वेग में आपको घेर लिया जाएगा, घेर लिया ना, मैं तो टिकरी बॉर्डर का उदाहरण दे रहा हूं। और आईबी ने नहीं कहा था कि 26 तारीख को ये रौंदने आएंगे, ये आपको टहलाते हैं। आईबी की रिपोर्टिंग मैंने की है, हमने मैंने की है, क्राइम रिपोर्टर वो क्या जाने, वो आपको टहलाते हैं। पूछो तो जरा क्या जर्नलिज्म किए हो, बताओ तो सही। जर्नलिज्म का ये नहीं मतलब होता, जर्नलिज्म का मतलब जब आप 20 साल का करते हो, आपके सोर्स होते हैं, आपको पैटर्न पता होता है, आपको हर साजिश, हर अच्छी अच्छी योजना, उन सब के बारे में आपका एक आकलन, मतलब एक डीप स्टडी हो जाता है। जर्नलिज्म का ये मतलब है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ पत्रकार तो मैं तुर्रम खाऊं ना, पर बिना जर्नलिज्म के तुर्रम मारना सिर्फ इसलिए कि व्यूज बढ़ जाए, जितना हम कहेंगे तो व्यूज बढ़ जाए, और वो लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके मन के अनुरूप कह रहा है, मन में मेरी भी पी रहा है, पर झूठ बोलूं क्या? तो इसलिए मैं
मास्टर स्टोबारी को। सुधांशु जी, मोहम्मद की बुक चाहिए, आप कपोत टेलीग्राम में कपोत चैनल ज्वाइन कर लें, उस पे मैंने पीडीएफ उपलब्ध करा दिया है। जब तक छप के नहीं आता है तब तक उसी से काम चलाइए, छप के आएगा तो कपोत पे तो उपलब्ध होगा ही। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि प्लीज उस पे आप जोड़ लीजिए टेलीग्राम पे। तो मुझे लग रहा है कि आप कोई प्रश्न नहीं है। चलो, थैंक्स आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।